हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं कुछ प्ले ग्रुप के लिए एक्टिविटीज लेके आई हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ देखिए बॉल्स बनाए हुए कलरफुल, जो करेक्ट द बॉल्स विद द सेम कलर। कुछ कलरफुल बॉल्स हैं जिसको हम सेम कलर से मैच करेंगे, जिससे बच्चे कलर भी रिकग्नाइज करते हैं और ये देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। रेड रेड बॉल से मैच किया, ग्रीन ग्रीन बॉल से, पर्पल, स्काई ब्लू एंड ऑरेंज। नेक्स्ट है मेरा सर्कल द स्मॉल ऑब्जेक्ट। आप स्मॉल हो या बिग हो, कोई भी चीज आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप उस पर सर्कल हो या टिक द मार्क हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, आप इस तरीके से करके बच्चों को मतलब ये बता सकते हैं ये बिग है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये बिग है। इस तरीके से आप उनको इस तरीके से बनाकर दीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, और स्मॉल और बिग की उनको रिकॉग्नाइज करवाइए। स्मॉल ऑब्जेक्ट पर मुझे सर्कल करना है, स्मॉल स्मॉल फिश एंड स्मॉल बलून। नेक्स्ट है मेरी ये एक्टिविटी, कलर द बलून विद द रेड कलर। मुझे ये बलून यहाँ पे बने हैं और मुझे रेड कलर से फिल करना है, तो मुझे बच्चों को ये बताना है कि आपको इसको रेड कलर से फिल करना है। उनकी हैंड ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है, वो रेड कलर से इसको अच्छी तरीके से फिल करेंगे। आप इस तरीके से शीट बनाइएगा और कलरफुल भी दे सकते हैं। मैंने इसमें रेड दिया है, आप कलरफुल दे दीजिए, कलरफुल इसमें फिल करेंगे कुछ इस तरीके से, किसी भी तरीके से मतलब उसको फिल करें। ऐसा नहीं कि बहुत परफेक्ट ही दिखे, उनको आना चाहिए बस। नेक्स्ट मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, मैंने टू कलर्स उसमें फिल किया है। सेम मुझे मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है, इसको देखकर बच्चों को सेम इस तरीके से बनाना है। फिगर वन कलर, फिगर टू। तो मैंने फर्स्ट में यहाँ पे पिंक शेड ड्रॉ किया है, पिंक शेड कलर फिल किया है, तो यहाँ मैं पिंक कलर फिल करूँगी। नेक्स्ट मैं ब्लू कलर फिल करूँगी। इस तरीके से आप बच्चों को दीजिए। और ये एक्टिविटी ऐसे घर पर, जो बच्चे स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं कोरोना की वजह से घर पर हैं, आप इस तरीके से छोटे छोटे एक्टिविटी दीजिए उनको करने के लिए। और बताइए इस तरीके से कि मैंने आइसक्रीम बनाया हुआ है यहाँ पर, यहाँ मैंने फोर कलर्स के नेम लिखे हैं। आप इस तरीके से आइसक्रीम ड्रॉ कर लीजिए और फोर कलर्स, कोई भी कलर आप उस पर लिख दीजिए उसको फिल करने के लिए। मैंने यहाँ पर पहले रेड डाला है, तो रेड आप उसको फर्स्ट में रेड फिल करवाइए कुछ इस तरीके से। रेड फिल किया। नेक्स्ट मैंने ऑरेंज डाला हुआ है सेकंड नंबर पे, ऑरेंज। इस तरीके से ऑरेंज फिल करवाइए। थर्ड मैंने पिंक कलर डाला हुआ है, इस तरीके से पिंक कलर। ये आपकी आइसक्रीम अच्छी सी तैयार हो गई है, और बच्चों को आइसक्रीम वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और फोर्थ मैंने ब्राउन कलर डाला हुआ है, ये देखिए। ऐसे एक्टिविटीज़ आप छोटे छोटे प्ले ग्रुप के बच्चों को घर पर आराम से करवा सकते हैं, और ये करने में अच्छी भी लगती है उनको। फिर मैंने ए बनाया, अल्फ़ाबेट ए प्रेस करने के लिए। आप एक अल्फ़ाबेट ए ड्रॉ कीजिए, उसके एप्पल बनाइए, उसको शेप्स देख के बच्चे थोड़े अट्रैक्ट होते हैं। और ए बना के उसमें इस तरीके से कुछ ट्रेस मार्क्स दे दीजिए, उस पर बोलिए कि वो पेंसिल ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ट्रेसिंग करें कुछ इस तरीके से। और इस शेप्स में हो, शेप नहीं हो, तो आप इस तरीके से भी ट्रेसिंग ए करके लिख सकते हैं, उस पर बच्चे ट्रेस करें। और ये लिखने की मतलब हाफ एन आर, वन आर, कुछ भी हो, वो बैठ के प्रैक्टिस करें तो ये उनकी हैबिट हो जाएगी और ये अच्छे तरीके से इस तरीके से करने लगेंगे। डेली आप उनको इस तरीके से प्रैक्टिस करवाइए कुछ इस तरीके से। छोटे छोटे मैंने बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ तैयार की हैं,
ये देखिए मैंने यहाँ पे एक नंबर ट्री बनाया हुआ है, इसमें मैंने लिखा है सर्कल द नंबर वन। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसको वो अच्छे से रिकग्नाइज करते हैं, मैंने नंबर वन लिया है। तो आप नंबर वन बोलिए बच्चे, जहाँ जहाँ नंबर वन है आप उसको इस तरीके से सर्कल कीजिए। वो उसमें सर्च करेंगे, उसके बाद वो किसी भी तरीके से इसको सर्कल बनाएंगे ऐसे लाइक दिस। आप मूव कलर दे दीजिए, मूव कलर से करें, पेंसिल से नहीं कर सकते, कुछ भी दे दीजिए। इस तरीके से आपको मैंने ये छोटी छोटी वीडियो दिखाई है, अगर आपको मेरी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दिखाई, अगर आपको मेरी ये भी एक्टिविटीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।